आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सा पैक जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट तो करेगा ही बल्कि साथ साथ आपकी स्किन को नॉरिश करेगा, ग्लोइंग करेगा, हेल्दी बनाएगा, स्किन से डेड लेयर को हटाएगा, आपका स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा आपको। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देखते हैं कि कैसे हमने इसको तैयार करना है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में छोटा सा बेल आइकन आ रहा होगा उसे प्रेस करोगे तो आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट भी मिलते रहेंगे। स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, स्किन से डेड लेयर को हटाने के लिए, स्किन से टैनिंग को रिमूव करने के लिए जो रेमेडी बताऊंगी आपको, उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए कॉफ़ी। मैं यहाँ पर 1 शीशे कॉफ़ी ले रही हूँ। कॉफ़ी के अंदर जो है एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होती है कॉफ़ी स्किन के लिए, स्किन को नरिश करती है, स्किन पर जितनी भी डेड होती है लेयर उसको हटाकर स्किन को रिपेयर करती है। तो मैं यहाँ पर 1 शीशे कॉफ़ी का ले रही हूँ। अगर आपके पास डिब्बी वाली कॉफ़ी है, इनकी लूज कॉफ़ी है, तो वो आप 1 स्पून जो है ना ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी 1 स्पून ही होती है, तो हमने यहाँ ले लिया 1 स्पून कॉफ़ी पाउडर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी योगर्ट को, यानी कि दही को। दही लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, हमारी स्किन को हेल्दी करता है, स्किन पर जितनी भी गंदगी डस्ट वगैरह होती है उसको रिमूव करके स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। और जितना ज़्यादा दही खट्टा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब दही ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास 1 स्पून कॉफ़ी है तो 1/2 स्पून ही हमने यहाँ पर कर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं पहले दोनों को। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टोमेटो जूस। टोमेटो जो है विटामिन सी से भरपूर होता है, स्किन को एक्सफोलिएट तो करता ही है, स्किन को निखारता भी है, टैनिंग को भी दूर करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है। मैंने यहाँ इसके पीछे ऑलरेडी कट लगा रखा है, तो ये मैं यहाँ पर 1/2 स्पून के करीब टोमेटो जूस ले रही हूँ और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे आपने अब अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है। आप देख सकते हो इस तरह की कंसिस्टेंसी आएगी, तो क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का पेस्ट आपने रेडी करना है और इसको आपने अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है, यानी कि स्किन को पहले वॉश कीजिए, पैड ड्राई कीजिए और फिर इसको अप्लाई करके हल्के हल्के हाथ से मसाज भी कीजिए। तो चलिए मैं आपको अपने फेस पर लगा कर दिखा देती हूँ। लगाकर मसाज करके ऐसे छोड़ देना है फेस पर और 10 मिनट्स के बाद आपने अपनी स्किन को वॉश करना है। और वीक में 2 से 3 बार अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्लोइंग रहेगी और डेड लेयर भी आपकी स्किन पर इकट्ठी नहीं होगी। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। सो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया ना तो फटाफट से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एंड सोशल मीडिया पर आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी इंस्टा आईडी जो है वो नीचे स्क्रीन पर आ रही होगी, मौलिक ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स के नाम से है, तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।